بسم الله الرحمن الرحيم. किताब आया, किताब आया, कितना किताब आया। अब ये इनकी तो शरारतें थी, यहूदियों की, ईसाइयों की और इतने हुकूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे आप नबी नहीं है, एक नबी है तो मौका लेकर आए। मौका भी वो नहीं जो हम कहते हैं मौका होता है, या अल्लाह आकर हमारे सामने हमें कह दे आप नबी है, ठीक ये दलील होगी आपकी नबूवत पर, वरना दावा के साथ दलील हमने कर दिया। उनको नबूवत का इंकार कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह फरमा रहे थे इनका ये कहना कि आप नबी नहीं है तो आपकी नबूवत खत्म, आपकी नबूवत तब खत्म होगी जब मुर्सल लिए कहे, भेजने वाला ये कहे, यानी हम कहते अल्लाह के कहे कि आप नबी, फिर आपकी नबूवत खत्म होगी इनके कहने से आप। और हम ये कह रहे हैं हमने आपको भेजा नहीं, बेशक हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है, रसूल नहीं बनाया और सात दो टूटियां भी थी और फिर और खाली रसूल नहीं बनाया, सात दो टूटियां भी थी बशीर और नजीर और बशीर भी बनाया। बशीर किसके लिए, खुशखबरी सुनाने वाला किसके लिए, जो आपकी मान ले उसको आप जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले उसके लिए बशीर है, और जो ना माने उसके लिए नजीर है, उसको जहन्नम से डराने वाले। रसूल भी बनाया और दो खूबियां देकर भेजी, बशीर भी बनाया और नजीर भी बनाया, इनके ना मानने से क्या होता है। नहीं तो हम कहें नबी नहीं उससे नबूवत खत्म होगी, और हम कह रहे हैं इन्ना बेशक हमने आपको रसूल बना कर दिया, तो आप रसूल हुजूर को पकड़िए। और तकलीफ होती थी ना, आप मौजदात नहीं लेकर आ रहे हैं, आप अल्लाह को हमारे सामने नहीं जा रहे, हम बगैर दलील के दावा नहीं मानते। इधर एक शुभ हो सकता है, बशीर भी है नजीर भी है, ये जो इज्तिमाई विज्ञान है आगे सामने जमा कर दी है, ये नहीं हो सकता तो जा ले लिया जिहद बदला दो, मंदिर पड़ी है ना, जिहद बदलाने से विज्ञान जमा हो सकती, मीनारा ऊंचा भी है मीनारा नीचा भी है, ये तो विज्ञान है, जिहद बदला दो ना, ऊंचा है जमीन से और नीचा है आसमान से, उधर नस्बत करो नीचा, इधर नस्बत करो ऊंचा, तो कुफार की तरफ नस्बत करो, यह सब नस्बत बदला दो ना, आप नजीर है, और मोमिनों की तरफ जो मानने वाले हैं उधर नस्बत करो आप बशीर है, जैसे वो नस्बत के बदलने से जो दैन जमा, ये भी गलत। ऐ मोहम्मद हमने आपको भेजा और बेशक हमने आपको भेजा है, आपको हमने रसूल बनाया है, और ये रसूल बनाना शक्कन नहीं इन्ना यकीनन है, तसल्ली होती इन्ना यही पैगम के लिए आता है ना, बिल हक हक हिदायत देकर भेजा, ठीक रसूल ही बनाया, हिदायत देकर भेजा भी रसूल बनाया और साथ साथ दो पूर्णिया भी दे दी, एक क्या बशीर बनाया, बशीर किसके लिए, वो इज्तिमाई विज्ञान हो रहा, इज्तिमाई विज्ञान हो नहीं सकता, जिहत बदला दो नस्बत बता दो, मन अजाबा इलैही इसने किया उसके लिए बशीर ने, खुशखबरी सुनाने वाले किस चीज की खुशखबरी सुनाने वाले हैं, बशीरन भाई जन्नत, आखिर में क्या बड़ा जन्नत,
इसमें मान लिया मन अजाबा इलैहि, उसके लिए बशीरन बिल जन्नति, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले, और नजीर बनाकर भी भेजा इसके लिए मल लम युजिब इलैहि, जिसने न माना उसको डराने वाले किसे बिल ना, जिस दैन जमा हो गई है और उसको निस्बत करना, इधर निस्बत करो नजीर, उधर निस्बत करो बशीर। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी ये नहीं मानते, इसलिए दिल में ठीक है थोड़ी सी तकलीफ और परेशानी थी, तो ये नहीं मानते, अल्लाह ने फरमा दिया इनका मामला हमारे ऊपर छोड़, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कियामत वाले रोज आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि ये ईमान क्यों नहीं लाए थे, ये जहन्नम में क्यों चले गए, इसका सवाल आपसे नहीं होगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका काम है जो चीज आपको दी गई है उसकी तबलीग कर दीजिए, इन तक पहुंचा दीजिए, यही आपका काम है जो आपके बस में है। बस में क्या है, इन्नमा अलैकल बलाग, पहुंचाना आपके बस में है, बस आप इसी के मुकल्लफ है, बाकी इनको ईमान पर लाना ये आपका काम है, और ये आपके बस में भी नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो चीज कब्जे में ही नहीं है, जो आपके बस में ही नहीं है, उस पर आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए। क्या चीज कब्जे में नहीं है, बेजाय वो आपके कब्जे में नहीं है। इन नकल ना कहदी मन अखबर का, आप हिदायत नहीं दे सकते उसको जिसको आप चाहें। क्या अबू तालिब को आपने हिदायत दे दी थी, हिदायत के ऊपर ले आए थे, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ख्वाहिश रखते थे, कहें चचा मेरे काम में कलमा, चचा मेरे काम में कलमा पढ़, आज इंशाल्लाह हम भेज देंगे, ना मुसलमान हो जाएंगे तो मुसलमान के लिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश भी फरमा सकते थे, चचा कलमा तो पढ़ लो, क्या उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, उस पर भी आयत थी इन नकलना का भी हिदायत आपके कब्जे में नहीं, तो जो चीज कब्जे में नहीं उसमें क्यों परेशान हो, आपसे सवाल नहीं है। वला तुसअल अन असहाब, आपसे सवाल नहीं होगा इन जहन्नम वालों के बारे में, आपसे सवाल होगा क्या आपको जो हुक्म दिया था आपकी जिम्मेदारी में, आपने वो बात इन तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, तबलीग की या नहीं की, आपकी जिम्मेदारी है, पहुंचाना आपका काम है, तो इन लंबा काल अगर पहुंचाया नहीं तो देश जुर्म की है, आपने रिसालत का हक अदा नहीं, तो जो काम है उसको पूरा नहीं किया तो वो जुर्म किया, वो आपके बस में था, और जो चीज बस ही में नहीं है, जो आपका काम ही नहीं है, उसको हिदायत पर लाना, उसके बारे में आपसे सवाल भी नहीं किया जाए, आपका काम पहुंचाना है, उनको पहुंचा दीजिए, आपका काम कौन, जब आपने पहुंचा दिया फिर उसके बाद समा अंता अले हिंदे वकील, फिर समा अंता अले हिंदे हकीर, और वाला कुछ अनुअस्था बिल जमीन, आपसे सवाल नहीं, फिर इन्हीं से सवाल होगा कि ये जहन्नम में क्यों गए, कालो ना चला गया तुम की सफर, फरिश्ते जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं तुम जहन्नम में क्यों गए, तुमने कौन से ऐसा काम किया जिसे तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ गया, ये सवाल जहन्नमियों से हो रहा है आपसे नहीं, ये जहन्नमी जवाब देंगे, कालो नम है तुम मिनल मुसल्लीन, हम ये काम करते थे इसलिए हम जहन्नम, तो वो इनसे सवाल होगा जहन्नम में क्यों गए, आपसे सवाल नहीं, आपका काम मेरा पहुंचाना, आपने पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपका काम खत्म, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यही हुजूर की तसल्ली।
जहीन का क्या माना? अन्नार। नार से मुराद आपसे सवाल नहीं होगा, जहीन मुराद नार ए अस्हाब नार, क्या जहन्नमियों के बारे में। और कौन से जहन्नमी मुराद है? मुखल्लिदीन फिल नार, जो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे उनके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। और कौन हमेशा हमेशा रहेगा? कुफार। कुफार के बारे में आपसे नहीं है, आप कुफार की तरफ है, इसीलिए कुफार निकाल लिया। कुफार के बारे में, कुफार क्यों जहन्नम में, ये आपसे सवाल नहीं है क्यों जहन्नम, इसलिए ये आपके बस में ही नहीं है उनको हिदायत से लाना। आपके बस में है तबलीग कर, वो आपने कर दी, आपने हक करा है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या सवाल नहीं होगा आपसे? वाला तुस अलो, नहीं सवाल होगा। क्या सवाल नहीं होगा आपसे? मान हम लाई लंग योग, ये ईमान क्यों नहीं लाए थे बताओ? ये सवाल आपसे नहीं होगा क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं, ये आपके बस में ही नहीं। मान हम लंग योग, आपके बस में क्या? इन नमा अले चल बला, आपके बस में ये है और यही आपकी जिम्मेदारी है। इल्म का बाल, अगर ये जिम्मेदारी, फिर आपने जुर्म किया है, इसलिए आपके कब्जे में, यही आपका काम। और ये अगर कर दिया फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर आपके सवाल नहीं होगा तो जंगल में ये क्यों ईमान नहीं है। फिर एक तो कुछ अल है किरा बता दी, और एक किरा तो अल है नहीं की शक्ल में, बड़े रहीम थे, शफीक थे, लिहाजा पर तकाजा शक्कर के दिल में ये तकाजा पैदा होता है। इस बात ये अल्लाह ताला को मर्जा मांग रहे, अल्लाह के भाई ने तो हो सकता है कलमा पढ़ में, क्योंकि शक्कर थी ना, तो चाहते थे कोई जहन्नम में ना जाए, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला अगर ये मौजा उतार दे जो ये मांग रहे, हो सकता है कलमा पढ़ में ये दिल में तकाजा पैदा होता। क्यों होता था? बस तकाजा शक्कर, क्योंकि हुजूर सबसे शफीक भी थे, नरम दिल थे, रहीम भी थे, रहम दिल, नहीं चाहते थे कोई जहन्नम में जाए, तो बतकाजा शफकत ये पैदा हो। उसका जवाब अल्लाह की तरफ से, अगर हम वो मौजदा उतार भी दें जो ये मांग रहे हैं, ये दिल भी कलमा नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि ये भी बात हमारी मानो, वो भी मानने के लिए ये भी मानो, ये चल सो चल सिलसिला है, ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये किसी सूरत आपसे राजी नहीं होंगे। सवाल एक सूरत की, एक ही सूरत में राजी हो सकता है, अल्लाह बता अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है, एक ही सूरत में राजी हो सकता है। आज भी यही बात है, जब हुजूर के साथ ही ना, हमारे साथ क्यों नहीं? एक ही सूरत में ये यहूदी मुशरिक काफिर राजी हो सकता है, वो क्या सूरत है? कि आप यहूदी बन गए, यहूदी बन गए, हत्ता तत्तबी आमिल लता हो वलन तरवा अंकल यहूद वलन नसारा, ईसाई हो जाएंगे तो ईसाई राजी हो, यहूदी हो जाएंगे तो यहूदी राजी हो जाएंगे, वरना ये राजी नहीं, कभी किसी सूरत राजी नहीं। चूंकि अल्लाह दिनों के हाल जानता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दिया। फिर भी ये जो आपसे मौजे का मुतालबा करते हैं, अल्लाह तो दिल को जानता है, ये जो मौजे का मुतालबा करते हैं, इसका मकसद शरारत है, उसका मकसद इस्लाह नहीं, ये नहीं तो ये अगर दिखा देंगे तो हम कलमा पढ़ लेंगे, इनका मकसद शरारत है। अल्लाह को कहते अल्लाह दिलों के हाल से इल्लल्लाह अलीम बिल, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हम दिखला भी दें तब भी कलमा नहीं पढ़ेंगे, मजीद कसम भी होगी तो परेशान होते थे, ये हो सकता है कलमा ही लाओगे अगर ये वाला मौजदा भी आ गया, अभी वो अच्छे लगी हर दिन, हर दिन यहूदी और ईसाई आपसे राजी नहीं। वलन तरवा अंकल यहूद वलन नसारा,
तो सभी आदमी जब तक रहे एक भी सूरत में राजी हो सकते हैं जब आप इनके दिन में दाखिल हो। तक सभी आदमी आप योगी हो गए, योगी राजी हो, आप सही हो गए, सही बात है। इसके अलावा किसी सूरत राजी नहीं। और ये किसी सूरत राजी नहीं होंगे, लिहाजा आप इनसे फरमा दीजिए। देखो हिदायत वो ही है जो अल्लाह की हिदायत है, तो वो ही हिदायत है, उसके अलावा कोई हिदायत नहीं। और अल्लाह वाली हिदायत कौन सी है? इस्लाम। इस्लाम ही हिदायत है, इस्लाम के अलावा कोई हिदायत नहीं। हमारे यहाँ भी कभी कोई इस्लाम दीन भले नहीं हो तो डाला में हर जिस कबूल नहीं किया जाएगा। आप साफ साफ इनको बतला दीजिए, साफ साफ कितना मजमा किया, असर आ गया ना, इन्ना हुदल्लाही होता, ये ही हिदायत है। नहीं, आप साफ साफ इनको बतला दीजिए, और इन्ना हुदल्लाही अल्लाह की जो है, और अल्लाह की हिदायत कौन सी? इन्ना दीना इंदल्लाही इस्लाम, साफ साफ बतला दीजिए वल हुदा, ये ही हिदायत, ये ही हिदायत का क्या मानना, हसर का क्या मानना? और कोई नहीं, वो भी नहीं, यहूदियत भी नहीं, ईसाइयत भी नहीं, शिर्क भी नहीं, ये ही हिदायत है। क्या माना? ये ही हिदायत, हसर का माना कर दिया ना, इसके अलावा जितना भी है सब गुमराही, असल यही आना ना, ये ही हिदायत है, बाकी सब गुमराही। ये आप इनको साफ साफ बतला दीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, वल तबा का लामो कसम है, अल्लाह फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर आप इनकी नरम नरम वो बातें जो आपको अपनी तरफ माइल करने के लिए करते हैं ना, अगर आपने इनकी बातें मान ली और इनके पीछे चलना शुरू कर दिया, आप इनकी तरफ माइल हो गए, तो आप भी याद रखना ना लगा मिला वाली, आपको भी अल्लाह से बचाने वाला नहीं, आपको भी कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई जो आपको बचा ले वजह नशे, और जो आपके आजाद को टाल दे और आजाद को रोक दे, आपको भी बचाने वाला कोई, अगर आप तो गुरु है है, तो इसीलिए बढ़ा दिया फर्जन बिल फर्जी वन मोहाल, अगर आप इनकी बातों में आ गए तो फिर आपका भी वही हशर होगा जो इनका होगा। वो तो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि तो वो तो नबी थे, और नबी तो मासूम होता है, मासूम तो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये असल में हमें समझाना मुश्किल है, वो जो नरम नरम मीठी मीठी गुफ्तगू करते हैं ना आपको अपनी तरफ माइल करने के लिए, आप भी जब आप भी तो कोई और कैसे बच सकते? वाला इन लामो कसम, अल्लाह की कसम, ये वो अल्लाह कसम उठाकर कह रहे हैं कि तबाह हुआ, आप माइल हो गए इनकी बातों की तरफ, अल्लाह की यद हो न का इलाइहा, जिसकी तरफ ये आपको ना मीठी मीठी बातें करके आपको माइल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप तो माइल हो ही नहीं सकते थे क्योंकि तो आप तो नबी थे, नबी तो मासूम होता है, इसीलिए बता दिया फारुदन बिल फर्ज बादल जा, अगर बाद के कि आपके पास वही आ चुकी है, आपको पता है गलत बात कर रहे हैं, फिर भी बिल फर्ज अगर आप माइल हो गए तो फिर आपके साथ भी वही मामला होगा जो उनके साथ, माल का निकलवा दें, आपको भी बचाने वाला कोई नहीं, कोई वही यख्तु का जो आपको बचा ले, कोई नसीर जो अल्लाह के आजाब को रोक दे और टाल दे, आए हुए आजाब को रोक दे, ऐसा तो आपके लिए भी कोई नहीं, दिल फर्क कर तो रो तो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि मासूम थे, हमें समझाना मकसूद है। नसीर यम ना ओके, आजाब के लिए माने बन गए, रुकावट बन गए, ऐसा कोई भी नहीं, आजाब आई नहीं है। الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, इनको छोड़ो, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, जिन लोगों को हमने किताब दी,
किताब अलिस्लाम दाखिल है, सात किताब मुराद है यानी कुरान मजीद, और वो इसकी तिलावत करते हैं। यतलूना हो ऐ यकरूना हो कमा उन्जिल, इशारा कर दिया यतलू, इसके दो मतलब आते हैं, एक तिलवन से है और एक तिलावत आता है। तिलवन का माना पीछे आना, मंतिक पढ़ी ना मुकद्दम और ताली, ताली किसे बोलते हैं जो मुकद्दम के बाद आए उसके पीछे आए, वो ताली क्यों तिलवन से वो पीछे आ रहा है, इसलिए ताली। ये तिलवन से नहीं है यतलून, ये तिलावत से, वो तिलावत से यतलून जो पढ़ते हैं, और कैसा पढ़ते हैं, हक का तिलावत करते हैं, खाली पढ़ते नहीं, जैसे हक है तिलावत करने का वैसे अदा करते हैं। बजाय इसका माकबल के साथ जोड़ नहीं, उनकी शरारतों को देखकर नई चीज आ गई, उसका शान नजूल बयान करती है। क्या शान नजूल है अभी बयान करता हूँ। ये जो लोग हैं वो तो तिलावत करते हैं हक का तिलावत, जैसा कि तिलावत का हक है। क्या माना, खाली तिलावत जुबानी जुबानी नहीं, इसके मुताबिक हम इसको समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं, ये है हक का तिलावत। वरना तिलावत तो 6-7 साल का बच्चा भी कर रहा होता है, कुरान के हिफ्ज कर रहे नहीं कर रहे, तिलावत तो कर रहा है लेकिन हक का तिलावत तो इसके मुताबिक अमल भी करते हैं। ये है मोमिन, ये जन्नत। अब ये नई बात शुरू होगी, बजाय माकबल के साथ जोड़ नहीं है। अल्लवीना यतलूनहु आतैनाहुमुल अल्लवीना आतैना, ये सिला मौसूल मिलकर क्या बन गए मुस्तदा, यतलूनहु हक का तिलावत, ये सारा हाल बन गया। जिनको हमने किताब दी और वो किताब क्या मामला करते हैं, किताब के साथ हालत और नहीं यतलू न हो, किताब दी इस हालत में कि वो किताब की तिलावत भी करते हैं और उसका हक भी अदा करते हैं। तिलावत नहीं करते, जैसा हक है वैसे तिलावत करते। ठीक, यकर ओ न हो किधर इशारा कर दिया, बिला वजह नहीं बनाया, ये तिलवन से नहीं है यतलू न हो, ये किससे है तिलावत से। हो जैसे उतरा, यानी लफ्जों में भी खयानत नहीं करते, तहरीज नहीं करते, जैसे उतरा वैसे ही तिलावत करते हैं और उसी के मुताबिक अमल। वल जुमला तो हाल, ये हाल है, ये खबर नहीं है उसकी। हकल मकदरी मकोल मतलब होने की वजह से ये क्या है, मनसूब है जी, हक तिलावती, ये क्या बन गया मकोल मतलब होने की, तिलावत का हक भी अदा करते हैं, अल्फाज में भी कमी पेशी नहीं करते, पूरा पूरा उसके मुताबिक अमल करते हैं। खबर क्या है, वो तो हाल आ गया, दुल हाल हाल मिलकर मुबतला बन गए। खबर क्या है, खबर ये उला यूनियो का देकर औरत है, यहाँ तिलावत का बजाय जोर और रख नहीं है माँ खबर के साथ, शान नजूल चाहिए क्या, मतलब ले लो शान नजूल, ये है शान नजूल। न गलत थी जमा आती नहीं आए तो उतनी उस जमात के बारे में जो हक्षा से आई थी, अगर जाफर जो है 40 बजुर्ग के आई थे मतलब विजट करके हक्षा की तरफ, वो 40 लोगों को लेकर आए, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया और सच्चे पक्के मोमिन बन गए, उनके बारे में आए थे। अब इसका जोड़ इनके साथ है, उनके साथ में शान नजूल के साथ जोर जुड़ा या नहीं जुड़ा, रब आगे नहीं है होना भी ही नहीं। और जो इस किताब इनकार करे, है बिल किताब बिल मौता, इस किताब के अंदर क्या माना इनकार करने का, इसमें तहरीक शुरू कर दे या इसको ना माने, इनकार के दो माने होते, एक ना मानना और एक तहरीक करना, वो भी गोया ना मानना है। नुकसान वाले बजाय एक शुभ था, उसका गले में हमने जवाब दे दी थी, कैसे नुकसान वाले हैं, काल लोगों को हम देखते हैं काफिर हैं, कुरान नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते, बड़े बड़े मालदार होते हैं, जो बैंक क्रूजरों में पैसे होते हैं, वो तो मालदार है, अगर नुकसान वाले पहले ये नुकसान बढ़ा दें, मानिए उन्होंने बड़ा पसारा कमाया बुलाए गए हैं आखिरत के एतबार से, क्योंकि क्या लेकर गए सौदे में, जहन्नम,
और ये बहुत ही घाटे का सौदा है। ये आखिरत के अतबार से नुकसान है, दुनिया के अतबार से नुकसान की बात नहीं है। किस अतबार से नुकसान की बात हो रही है? लिमसीरहिम इलन नार अल मुअक्कदा अलैहिम, हमेशा हमेशा की जहन्नम कमाई है। तो आखिरत के अतबार से नुकसान है या फायदा है? ये आखिरत वाला नुकसान मुराद है, दुनिया वाला नहीं। बाकी या गरीब वही, अब वही चीज चल रही। अल्लाह ताला ने पहले तुमसे क्या किया, तुमने मुझसे क्या किया, उनकी शरारतों का जिक्र फरमा रहे हैं और अपने इनामात का जिक्र फरमा रहे हैं। तुमने तो ये शरारतें की और मैंने क्या किया, ये ऐसे पहले भी गुजर चुकी है। या बनी इसराइल, अब अपने नाम उनकी शरारतें, तुमने ये किया और मैंने तुझसे क्या किया। उद्धुरु नियमती, मेरी नियमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की। वो अन्नी फजल तो तुम आलमी, मैंने उस जमाने के तमाम लोगों पर तुम्हें फजीलत दी। सब जमा मित्र हूँ, इसलिए तफसील पहले गुजर चुकी है, यही आज पहले गुजर चुकी, इसलिए यहाँ तफसील की जरूरत है। क्या कैद लगाई थी? उस जमाने के लोग, उन सब लोगों में फजीलत दी है। ये क्यों बढ़ा दिया? ताकि आयतों में तआरुज हो गए। तो तआरुज क्या था? कुन तुम खैर उम्मत, इन सहाबा के खिताब है, तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और यहाँ आ रहा है कि बनी इसराइल को मैंने अपनी फजल से तुम आदिल आलमीन, तआरुज है या नहीं है? तो कैसे उठेगा? उस दौर में जितनी भी उम्मतें थी उस वक्त उनको फजीलत, क़यामत तक आने वाली उम्मतों पर फजीलत नहीं, तआरुज वो तो फिर सहाबा को, उनसे आगे नहीं गए, ये पहले गुजर चुके, तआरुज उठाया नहीं उठा। अच्छा जी, वत्तको, खौफो, तकले के दो माने आते हैं, बचना करना, यहाँ बचना मुराद है। क्यों बचना हो, पाना बन नहीं सकता। वत्तको यौमन, डरो उस दिन से, किस दिन से? क़यामत के दिन से, उससे बचो। वो बचना तो मुमकिन ही नहीं है। अय नमार तकूनू युद्रिकुम अल-मौत, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत से तुम नहीं बच सकते। जब नहीं बच सकते हैं, वहां कह रहे हैं नहीं बचो, यहाँ कह रहे हैं बचो, ये तो हो ही नहीं सकता, बचने वाला मानना नहीं हो सकता। तो फिर क्या मानना करो? करने वाला मान दूसरा। क्यों? क्योंकि इसका करीना मौजूद है, बचने वाला तो हो ही नहीं सकता, करने का करीना के आगे जो चीजें हैं वो डराने वाली है। तो फिर ये डरने के मामले में वो करीना है डरने वाला मान, बचने वाला बन ही नहीं सकता, इसलिए खाफो बढ़ाया, वरना जरूरत ही नहीं थी बढ़ाने की, एक बचना भी तो बन सकता था ना। इत्तकी नफ्सका मिनल असद, बचो बचो, वहां इत्तकी तकवे का क्या माना किया था? बचना, पढ़ा नहीं पड़ा काफी में जाए तुमने, आपने इसका माना बचना भी आता, यहाँ बचना, यहाँ खौफ हो, क्यों डराने वाली चीजें आ रही, तो फिर डरना मुराद होना चाहिए, वो करीना बन गया और बचना बन ही नहीं सकता। उस दिन से डरो, ला तजजी, तुम कोई नफ्स काम नहीं आएगा किसी नफ्स के उस दिन में, जरा बराबर काम नहीं, इतनी गुजर चुकी है ठीक। वाला युग बलो मिन्हा आदल, कोई रिश्वत कबूल नहीं की जाएगी, पहले तफसील गुजर चुकी उस दिन में, और कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, और कोई मदद नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसी हस्ती नहीं होगी जो अल्लाह के अजाब को रोक दे, अल्लाह अजाब भेजे और वो रोक दे, ये नहीं है। उस दिन से डरो, ये डराने वाली चीजें हैं। बाकी तस्वीर पहले गुजर चुकी आई ना, तो डरना माना या बचना क्या है? युम ना हो ना, डरो बचना, बाकी तस्वीर पहले गुजर चुकी आज आप बोलता है।